कृपा अवे
परम धाम श्री राम उल्लेखित हो
राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
सत्यं शिवं मंगलं सत्यं शिवं मंगलं वृद्धि भगवत गीता भाषा 18 अध्याय महात्म्य सहित लेखक श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की रीति। श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूं और मुझमें पाप अपराध अकर्मण्यता कर्तव्यहीनता कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्री मुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। पाठक को चाहिए कि वह एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्प तरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है।
श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है, कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद् भगवत गीता तो आत्म ज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को दूर ढालने की परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सार में रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों को भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप में भर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा ना लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न ना हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना कर्तापन का अभिमान ना करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना भक्तिमय कर्म योग है। यही सच्चा सन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और सन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य मेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेश अमृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का ये महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्म में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। ओम तत्सत। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस देश में दान पुण्य, यजन याजन, व्रत जप तप, संयम आराधन, चिंतन ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, कुरुवंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उत्तर में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला, मेरे पूज्य आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाए गए पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए अथवा अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए,
ये कितना घोर रूप धारण किए हुए है। पर पक्ष में परले पार के पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक है ये दर्शाता हुआ वह बोला, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर हैं, उनमें महारथी सात्यकी है, विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, शक्तिशाली काशीराज है, पुरजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ शैव्य है। इसी प्रकार महाबली युधामन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति हैं। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख्य हैं, विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म हैं, करण हैं, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण हैं। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सेना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह वयोवृद्ध है, पांडु पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है, इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण है। इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छी प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म की रक्षा करें, उसे सहायता दें और पर पक्ष से बचाएं। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समर शंख बजाया। दुर्योधन के सेनापतियों में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर शंख बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों के शंख, भेरियां, नगारे, ढोल और नरसिंगे एक बार ही बज उठे। उन रण बिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। भीष्म की सेना के रण नाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रीय श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया और धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया तथा भीमकर्मा भीम ने पौंड नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंखों को बजाया। श्री राम। राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम श्री राम राम। तारक मंत्र राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम श्री राम राम। श्री राम श्री राम, स्वरूप है राम।
स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम, राम सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम। सत्य ज्ञान स्वरूप है परम सत्य प्रकाश रूप, सर्वशक्तिमान है मेरे दातारा, उन सम दीन दयाल ना कोई, उन सम बड़ो नाना। सार है राम श्री राम, गीता सार है राम श्री राम, उपनिषद सार है राम श्री राम, राम वेद सार है राम श्री राम, गीता सार है राम श्री राम, उपनिषद सार है राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम। श्री राम परमानंद है राम श्री राम, अमृतदायी नाम राम श्री राम, राम आनंद आनंद नाम राम श्री राम, परमानंद है राम श्री राम, अमृतदायी नाम राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सर्वशक्तिमान।